जनपद में घोषी लोकसभा के भाजपा प्रभारी एवं भाजपा प्रत्याशी अतुल राय जनपद में लगातार गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं लोगों से की गई बातचीत में बकायदा भाजपा सरकार के झूठी और भ्रष्टाचार के साफ साठगांठ में उजागर करने के बारे में बताया जा रहा है। वहीं साथ में अन्य पार्टियों में भी खलबली मच गई है। अतुल राय प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी और अन्य पार्टियों पे हमलावर बोल रहे हैं, किस तरह से प्रचार को देखते हैं और क्या लग रहा है कि अतुल राय की प्रत्याशी बनाने से और राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची है? सभी पार्टियों में खलबली मची गई है। अतुल राय अच्छे प्रत्याशी हैं, ये गाजीपुर के रहने वाले हैं, उनका जैसे प्रचार चल रहा है अन्य दलों का जो है हवा निकल रहा है, वो इतने अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार कर रहा है कि लोगों में रोज जनादेश उनका अच्छा जा रहा है, वो जीतते हुए प्रत्याशी नजर आ रहा है। उनके जैसा प्रत्याशी खड़ा करने के लिए बीजेपी में भी अंदर अंदर कलह शुरू हो रही है कि कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए जो अतुल राय को टक्कर दे सके, कांग्रेस भी यही सोच रही है। बीजेपी के पास वैसा अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं, वो तो निकाल दिया, कल ही बोल दिया कि 75 के बाद से प्रत्याशी को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। अतुल राय अच्छे युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं के लिए अगला सोच उनका जारी रहेगा, इसलिए अतुल राय सभी दलों से अच्छे जो है कि प्रत्याशी दिख रहे हैं इस समय। उनका प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छे लोगों समाजसेवी लोगों से जुड़ रहे हैं, डेली समाजसेवी में वो जा रहे हैं, जहाँ लड़के बच्चे खेल कूद का मंच लगा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, वो अपना 2-4-10 गाड़ियों से अपना जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन ले रहे हैं, इसलिए जनादेश उनके तरफ बहुत तेज़ी से मुड़ रहा है।